अर्थशास्त्र और सामाजिक अध्ययन की प्रस्तुति। सम्राट अशोक आदर्शवादी तथा बहुमुखी प्रतिभा संपन्न मानव सभ्यता का अग्रदूत तथा प्राचीन भारतीय इतिहास का दैदीप्यमान सितारा अशोक एक महान सम्राट था। सभी इतिहासकारों की दृष्टि से अशोक का शासनकाल स्वर्णिम काल कहलाता है। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश में बिंदुसार की 16 पत्नियों एवं 101 पुत्रों का जिक्र है। अशोक की माता का नाम शुभदाई था। बिंदुसार ने अपने सभी पुत्रों को बेहतरीन शिक्षा देने की व्यवस्था की थी, लेकिन उन सब में अशोक सबसे श्रेष्ठ और बुद्धिमान था। प्रशासनिक शिक्षा के लिए बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन का सूबेदार नियुक्त किया था। अशोक बचपन से अत्यंत मेधावी था। अशोक की गणना विश्व के महानतम शासकों में की जाती है। बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा। अशोक वहां शांति स्थापित करने में सफल रहा। अशोक अपने पिता के शासनकाल में ही प्रशासनिक कार्यों में सफल हो गया था। जब 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार बीमार हुआ तब अशोक उज्जैन का सूबेदार था। पिता की बीमारी की खबर सुनते ही वह पाटलिपुत्र के लिए रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में ही अशोक को पिता बिंदुसार के मृत्यु की खबर मिली। पाटलिपुत्र पहुंचकर उसे उन लोगों का सामना करना पड़ा जो उसे पसंद नहीं करते थे। युवराज न होने के कारण अशोक उत्तराधिकार से भी बहुत दूर था, लेकिन अशोक की योग्यता इस बात का संकेत करती थी कि अशोक ही बेहतर उत्तराधिकारी था। बहुत से लोग अशोक के पक्ष में भी थे, अतः उनकी मदद से 4 साल के कड़े संघर्ष के बाद 269 ईसा पूर्व में अशोक का औपचारिक रूप से राज्याभिषेक हुआ। सम्राट अशोक बचपन से ही शिकार के शौकीन थे तथा खेलते खेलते वे इसमें निपुण भी हो गए थे। कुछ बड़े होने पर वे अपने पिता के साथ साम्राज्य के कार्यों में हाथ बटाने लगे थे तथा वे जब भी कोई कार्य करते अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे। इसी कारण उनकी प्रजा उन्हें पसंद करने लगी थी। उनके इन्हीं सब गुणों को देखते हुए उनके पिता बिंदुसार ने उन्हें कम उम्र में ही सम्राट घोषित कर दिया था। उन्होंने सर्वप्रथम उज्जैन का शासन संभाला। उज्जैन ज्ञान और कला का केंद्र था तथा अवंती की राजधानी। जब उन्होंने अवंती का शासन संभाला तो वे एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में उभरे। उन्होंने उसी समय विदिशा की राजकुमारी शाक्य कुमारी से विवाह किया। शाक्य कुमारी देखने में अत्यंत ही सुंदर थी। शाक्य कुमारी से विवाह के पश्चात उनके पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ। अशोक घोर मानवतावादी थे। वह रात दिन जनता की भलाई के काम ही किया करते थे। उन्हें विशाल साम्राज्य के किसी भी हिस्से में होने वाली घटना की जानकारी रहती थी। धर्म के प्रति कितनी आस्था थी इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वह बिना 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराए स्वयं कुछ नहीं खाते थे। कलिंग युद्ध अशोका के जीवन का आखिरी युद्ध था जिससे उनका जीवन को ही बदल गया। अशोक ने मगध का शासन तो हथिया लिया, किंतु उसके राज्याभिषेक में अनेक बाधाएं उपस्थित होती रहीं, जिनका अशोक ने डटकर मुकाबला किया। महाराज बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्ष बाद अशोक का बड़ा धूमधाम से राजतिलक हुआ। राजा बनते ही वे अपने पिता के समान नित्य हजारों ब्राह्मणों को दान देते, बुद्ध कार्य और धर्म पूर्वक आचरण करते रहे। इस राज्य की सुव्यवस्था में चंद्रगुप्त मौर्य की योग्यता, चाणक्य की नीति और बिंदुसार के सुप्रबंध के सारे गुण थे। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने अशोक के जीवन को ही नहीं अपितु भारत के इतिहास को भी बदल दिया। अशोक अब अपनी निपुणता से एक बड़े राज्य का अधिकारी था। उसे शत्रुओं का भय नहीं था। राज्य में सर्वत्र शांति का साम्राज्य था। परंतु अशोक को अपनी राजधानी से दूर एक शक्तिशाली छोटा राज्य स्वतंत्र राज्य खटकता रहता था। इस राज्य का नाम था कलिंग। वह पहले कभी नंद साम्राज्य के अधीन था, किंतु उसने अपनी शक्ति द्वारा उस पराधीनता से मुक्ति पा ली थी। अशोक के पराक्रम, सैन्य बल तथा नीति निपुणता से कई राज्यों ने मगध की अधीनता स्वीकार कर ली थी, किंतु कलिंग ने मगध की अधीनता स्वीकार नहीं की। यहां तक कि बिंदुसार ने भी अपने दक्षिण के आक्रमण काल में कलिंग को छेड़ना उचित न समझा था। उसने कलिंग के 3 ओर के प्रदेशों को जीतकर उसे घेर अवश्य रखा था। अशोक ने प्रतिदिन बढ़ते हुए इस शक्तिशाली कलिंग को जीतने का निश्चय किया। अशोका और कलिंगा घमासान युद्ध शुरू हुआ जिसमें कलिंगा को परास्त किया, जो इससे पहले किसी सम्राट ने नहीं किया था और न ही कर पाया था। उस समय मौर्य साम्राज्य तब तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य माना जाता था। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से कुशल और बेहतर प्रशासक तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता था। कलिंगा अशोका युद्ध में 1,00,000 से भी ज्यादा मृत्यु हुई और 1,50,000 से भी ज्यादा घायल हुए।
इस युद्ध में हुए भारी रक्तपात ने उन्हें हिलाकर रख दिया। उन्होंने सोचा कि लालच का दुष्परिणाम है और जीवन में फिर कभी युद्ध न करने का प्रण लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा के पुजारी हो गए। उन्होंने देश भर में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्तंभों और स्तूपों का निर्माण कराया। विदेशों में बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए भिक्षुओं की टोलियां भेजी। बुद्ध का प्रचार करने हेतु उन्होंने अपने राज्य में जगह जगह पर भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित की और बुद्ध धर्म का विकास करते चले गए। अशोका को एक निडर परंतु बहुत ही बेरहम राजा माना जाता है। उन्हें अवती प्रांत में हुए दंगों को रोकने के लिए प्रतिया गया था। उज्जैन में विद्रोह को दबाने के बाद 286 ईसा पूर्व उनको अवंती प्रांत के सूबेदार नियुक्त किया गया। पिता बिंदुसार ने अशोक को उनके उत्तराधिकारी बेटे सुसीम को एक विद्रोह दमन में मदद मिल सके, इसमें अशोक सफल भी हुआ और उसे इसी कारण वह तक्षशिला का सूबेदार भी बना। 272 ईसा पूर्व में अशोक के पिता बिंदुसार की मृत्यु हुई। उसके पश्चात 2 वर्ष तक अशोक और उसके सौतेले भाइयों के बीच घमासान युद्ध चला। 2 बौद्ध ग्रंथ दीपवासना और महावासना के अनुसार अशोक ने सिंहासन पर कब्जा करने के लिए अपने 99 भाइयों को मार गिराया और मात्र ब्रिटिशों को बख्श दिया। उसी समय 272 ईसा पूर्व में अशोक सिंहासन तो चढ़ा परंतु उसका राजभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ और वह मौर्य साम्राज्य का तीसरा सम्राट बना। अपने शासनकाल के दौरान वह अपने साम्राज्य को भारत के सभी उपमहाद्वीपों तक बढ़ने के लिए लगातार 8 वर्षों युद्ध करते रहे। कहा जाता है दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में अशोका ने भगवान बुद्ध के अवशेषों को संग्रह करके रखने के लिए कुल 84,000 स्तूप बनवाए। उसके अशोक चक्र, जिसको धर्म का चक्र भी कहा जाता था, आज के भारत के तिरंगा के मध्य में मौजूद है। मौर्य साम्राज्य के सभी बॉर्डर में 40-50 फीट ऊंचा अशोक स्तंभ अशोक द्वारा स्थापित किया गया है। अशोक ने 4 आगे पीछे एक साथ खड़े सिंह का मूर्ति भी बनवाया था, जो कि आज के दिन भारत का राजकीय प्रतीक है। आप इस मूर्ति को भारत के सारनाथ म्यूजियम में देख सकते हैं। कलिंग युद्ध में हुई क्षति तथा नरसंहार से उसका मन युद्ध से ऊब गया और वह अपने कृत्य को लेकर व्यथित हो उठा। इसी शोक से उबरने के लिए वह बुद्ध के उपदेशों के करीब आता गया और अंत में उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म स्वीकारने के बाद उसने उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी किया। उसने शिकार तथा पशु हत्या करना छोड़ दिया। उसने ब्राह्मणों एवं अन्य संप्रदायों के सन्यासियों को खुलकर दान देना भी आरंभ किया और जनकल्याण के लिए उसने चिकित्सालय, पाठशाला तथा सड़कों आदि का निर्माण करवाया। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र तथा यूनान भी भेजा। इसी कार्य के लिए उसने अपने पुत्र एवं पुत्री को भी यात्राओं पर भेजा था। अशोक के धर्म प्रचारकों में सबसे अधिक सफलता उसके पुत्र महेंद्र को मिली। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिस को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और तिस ने बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म बना लिया और अशोक से प्रेरित होकर उसने स्वयं को देवनामप्रिय की उपाधि दी। अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोगाई पुत्र तिश्या ने की। यही अभिधम पिटक की रचना भी हुई और बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों में भेजे गए, जिनमें अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा भी सम्मिलित थे, जिन्हें श्रीलंका भेजा गया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद अशोक ने उसके प्रचार करने का बीड़ा उठाया। उसने अपने धर्म के अनुशासन के प्रचार के लिए अपने प्रमुख अधिकारियों युक्त राजूक और प्रादेशिक को आज्ञा दी। धर्म की स्थापना, धर्म की देखरेख, धर्म की वृद्धि तथा धर्म पर आचरण करने वालों के सुख एवं हितों के लिए धर्म महामात्र को नियुक्त किया। बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु अशोक ने अपने राज्य में बहुत से स्थान पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां स्थापित की। विदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु उसने भिक्षुओं को भेजा। विदेश में बौद्ध धर्म के लिए अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री तक को भिक्षु भिक्षुनी के वेश में भारत से बाहर भेज दिया। इस तरह से वे बुद्ध धर्म का विकास करते चले गए। धर्म के प्रति अशोक की आस्था का पता इसी से चलता है कि वे बिना 1,000 ब्राह्मणों को भोजन कराए स्वयं कुछ नहीं खाते थे। अशोक ने करीब 40 वर्ष तक शासन किया, जिसके बाद लगभग 234 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई। उसके कई संतान तथा पत्नियां थी, उनके बारे में अधिक पता नहीं है। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश करीब 50 वर्ष तक चला। लुम्बिनी में भी अशोक स्तंभ देखा जा सकता है। कर्नाटक के कई स्थानों पर उसके धर्मोपदेश के शिलोत्कीर्ण अभिलेख मिले हैं। धन्यवाद।